प्रेगनेंसी एक महिला के लिए जीवन भर याद रहने वाला समय होता है। इस समय महिला के शरीर में कई सारे चेंजेस होते हैं। कभी वो प्रेग्नेंट होने से बेहद खुश होती हैं, तो कभी वो परेशान हो जाती हैं कि बस जल्दी से मेरी डिलीवरी हो जाए। आज की भागम भरी लाइफ स्टाइल के चलते महिलाओं को डिलीवरी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, क्योंकि इस बिजी समय में खुद को हेल्दी रख पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है और पहले की तरह नॉर्मल डिलीवरी करना नामुमकिन। आजकल के मॉडर्न समाज में सिजेरियन डिलीवरी का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कम से कम 70-80% डिलीवरी सिजेरियन के जरिए ही हो रही है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि क्या पहली सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बारे में डॉक्टर की क्या राय है। तो इस पर डॉक्टर का ये कहना होता है कि अगर आपको पहली डिलीवरी सिजेरियन के जरिए हुई है तो आप अपनी अगली डिलीवरी आसानी से नॉर्मल करा सकते हैं। इसे वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कहते हैं। लेकिन दो बार सिजेरियन कराने के बाद तीसरी बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि पहली बार सिजेरियन के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला के यूट्रस के पास की हड्डी दबी हुई हो तो उनकी दूसरी बार भी सिजेरियन ही करनी होगी। अगर किसी महिला की दो बार सिजेरियन से डिलीवरी हो चुकी है तो उनका प्राइवेट एरिया वीक हो जाता है। ऐसी हालत में अगली डिलीवरी भी सिजेरियन ही करनी होती है, क्योंकि इससे पेरिनियम के फटने का डर ज़्यादा रहता है। नॉर्मल केसेस में अगर आपकी पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो अगली बार आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। सिजेरियन के बाद 10 में से 7 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी सफल होती है। इसलिए अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस के बारे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अभी तक हमने ये जाना कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, इस पर डॉक्टर्स की क्या राय है। आइए अब हम ये जानते हैं कि किन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जिन महिलाओं को पहला बेबी सिजेरियन यानी ऑपरेशन के जरिए हुआ है, उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या दूसरे बच्चे के समय भी उन्हें ऑपरेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन की मदद से आप दूसरी डिलीवरी नॉर्मल भी करा सकते हैं। ये एक तरह का मेडिकल टर्म भी है जिसे हम BBAC के नाम से जानते हैं, यानी सी सेक्शन के बाद दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली डिलीवरी अगर ऑपरेशन से हुई है तो दूसरे बच्चे के समय भी यही प्रोसेस दोहराया जाए। इसलिए अगर प्रेग्नेंट महिला हेल्दी है तो डॉक्टर सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन यानी BBAS एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मतलब है कि पहली डिलीवरी सिजेरियन होने के बाद दूसरी नॉर्मल होना। डॉक्टर जिन महिलाओं को BBAC की सलाह देते हैं उन्हें केवल इसे अपनाने के लिए कहा जाता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है और कोई जोखिम नहीं है तो ही आप अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में इसे अपना सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सिजेरियन के बाद दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर रही है तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इससे आपको इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि BBAC के चलते आप सी सेक्शन के प्रोसेस से बच सकती हैं। और जिन महिलाओं के पेट में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उन्हें BBAC फायदेमंद रहता है। BBAC प्रोसेस में जान का खतरा भी कम से कम होता है और इससे फ्यूचर में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही अगर महिला के पेट में 1 शिशु है और महिला की पहली सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पेट में 1 बच्चा हो और पहली डिलीवरी के समय ऑपरेशन में ज़्यादा बड़ा टांका ना आया हो तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से की जा सकती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी किस महिला की हो सकती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि आखिर दूसरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी किस महिला की नहीं हो सकती। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पहली डिलीवरी के समय सिजेरियन डिलीवरी हुई है और दूसरी डिलीवरी के समय आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की सलाह नहीं देंगे। इसके लिए आपको दोबारा भी सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो महिलाएं मोटापे का शिकार हो जाती हैं उन्हें भी डॉक्टर BBAC प्रोसेस की सलाह नहीं देते। और जिन महिलाओं को डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं उन्हें भी BBAC प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही अगर आपको पहले हाई वर्टिकल यूट्राइन टांके लगे हों या फिर यूट्राइन रप्चर और यूट्रस से जुड़ी कोई भी सर्जरी हुई हो
तो डॉक्टर आपको इन सिचुएशन में दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी करवाने की एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।